गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। उम्मीद करते हैं आप लोग सभी बहुत अच्छे होंगे। मैथ गुरु लर्निंग सेंटर में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे क्लास 9 का मैथ्स चैप्टर 2 एक्सरसाइज 2.5 क्वेश्चन नंबर 8 का। जैसे कि आप दोनों सवाल देख रहे हैं, एक है 8aq + bq + 12a² b + 6ab² और दूसरा है 8a³ माइनस बी क्यूब माइनस 12a² b प्लस 6ab². तो सबसे पहले हम लोग को इस सवाल को हल करने के पहले हम लोग को देखना है कि ये जो मैथ है ये किस फॉर्मूला पर आधारित है। जी हाँ, हम लोग को सबसे पहले इसके फॉर्मूला को पकड़ना होगा। तो सबसे पहले देखिए, ये है a³ प्लस bq प्लस 3a² b प्लस 3ab² इस फॉर्मूला पर है। और ये देखिए, ये जो है a³ माइनस bq माइनस 3a² b प्लस 3ab² कहने का अर्थ यह है कि दोनों दो फॉर्मूला का मैथ है, यानी एक बनेगा a प्लस b होल क्यूब का फॉर्मूला और एक बनेगा a माइनस b होल क्यूब का फॉर्मूला। दोनों दो फॉर्मूला से बनेंगे। तो आइए देख लेते हैं इसको कैसे हल किया जा सकता है। सबसे पहले देख रहे हैं 8 है, तो 8 का क्यूब क्या होते हैं, 2a का होल क्यूब प्लस b का होल क्यूब प्लस 3a² b। a यानी 3a² b प्लस 3ab² a हो गया 2a, b² यानी b का स्क्वायर। ये तोड़ लिए, तोड़ लेने के बाद आपको क्या करना है, जस्ट a प्लस b होल क्यूब के रूप में लिख देना है। और लिखने से पहले आप लोगों को ये देख लेना है, एक बार जांच कर लेना है कि इससे ये आ रहा है या नहीं आ रहा है। आप खुद इसको चेक कर सकते हैं। देखिए 2 का क्यूब, 2 दुगुने 4 दुगुने 8। देखिए b का क्यूब, bq। देखिए 2 2 = 4, 4 3 = 12a² b देखिए आ गया, 3 2 = 6ab² देखिए 6ab². तो इस तरह से आप खुद भी चेक कर सकते हैं। इसके बाद हम लोग को लिख देना है 2a प्लस b का होल क्यूब, दिस इज आंसर, और कुछ नहीं करना है। सिंपल इसी तरह ये दो नंबर भी बनेंगे। देखिए एक बार लिख लेते हैं, 8a³ माइनस bq माइनस 12a² b प्लस 6ab² तो सबसे पहले इसको तोड़ लेना है। तो 2a का होल क्यूब माइनस bq माइनस 3a² b मींस 3a हो गया 2a का स्क्वायर इन b प्लस 6 3ab² 3a हो गया 2a और b² यानी b का स्क्वायर। जस्ट लिख देना है, आपको एक बार देख लेना है कि ये आ रहा है कि नहीं। देखिए 2 2 = 4 2 = 8, b का क्यूब, 2 2 = 4, 4 3 = 12a² b, 3 2 = 6ab² आ गया है। अब आपको जो है इसको फॉर्मूला में लिख देना है। फॉर्मूला क्या है, a माइनस b होल क्यूब। तो a कौन हो गया, 2a माइनस b का होल क्यूब, दिस इज आंसर। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को ये मैथ अच्छी तरह से समझ में आ गया है। अगर इससे जुड़े कोई भी डाउट्स हैं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, मैं कोशिश करूंगा जल्द से जल्द इसका रिप्लाई आप तक पहुंचाने का। तो चैनल में न्यू है तो सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए, और वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक शेयर और कॉमेंट अवश्य कीजिए। तो आज के लिए मेरा वीडियो इतना ही है। जय हिंद।